हम लोगों को सबको शिकवा है और आवाम को भी है कि लच्छरपन बहुत आ गया है, वो नहीं था। अब जबकि सेंसर बोर्ड ही नहीं है तो जिसका जो दिल करता वो करते। एक्टर के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, कोई भी हो। लेकिन उसके बावजूद मैं जब भी कोई ऐसी बात आएगी कि मैं फलां जगह पे जाके काम करूं या फलां जगह पे ऐसे करूं, आई वुड ऑलवेज प्रिफर पाकिस्तान। मैं समझती हूं कि अपने सगे बेटे बेटियां भी अगर होना तो उनके भी आप नहीं बता सकते कि उनके दिल में क्या है। दिस आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर सीन सेंट्रल बोर्ड, आई हैव नॉट बीन देयर, बट एवरीथिंग हैज गॉट ऑल द वेज, डिफरेंट वेज, सो पीपल मस्ट बी यूजिंग दोज पाथ्स। इफ एट ऑल आई एम हियर इन सेंट्रल बोर्ड, there'll be no vulgarity and there'll be no hodgepodge things about industry, and I have all the hopes if we get all these things together, so we'll have a good revival also for the film industry. Main ye samajhta hu ki ye badi sharmnak baat hai aur ye act to uska hai lekin sare pakistaniyon ke sar usne sharm se jhuka diye hain। मैं ये, एक एक्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और उसको जब वो दूसरे मुल्क में जाके किसी भी फिल्म में काम करे या किसी भी शूट या किसी भी इवेंट में जब वो परफॉर्म करता है तो उसके साथ पाकिस्तान का लेबल लगा होता है, उसके हर अच्छे बुरे एक्ट का असर पूरी कौम पे पड़ता है। तो इन लोगों को कम अज़ कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि ये अपने मुल्क के का नाम उजागर करें, ना कि अपने मुल्क के लिए बायस शर्मिंदगी बने। मुझे बसद अफसोस है इस बात का, बल्कि अफसोस क्या है कि अगर आप इसको डीपली देखें तो ये एक शर्मनाक एक्ट है जो वीना ने किया है, और उसे इस तरह की हरकत पहले भी वो खैर करती रही है, अगर पहले इस पर एक्शन हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती। तो अगर इसी तरह से बेलगाम तरीके से इनको छूट दी जाती रहेगी तो ऐसा होता रहेगा। मेरे ख्याल में हुकूमत को कुछ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए ताकि इस तरह के एक्ट पे कुछ कंट्रोल हो सके। आई थिंक इट्स वेरी शेमफुल फॉर वीना, नॉट फॉर वीना ओनली बट होल ऑफ द नेशन इज डिस्टर्ब ड्यू टू हर दिस एक्ट, एंड आई थिंक पाकिस्तानी नेशन डिडंट अलाउ हर टू गो देयर एंड देयर वाज नॉट a joint venture, so I think we are not so concerned with this matter. लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो definitely वो हम पे असरअंदाज भी होती है और एक embarrassing भी होता है हमारे लिए कि वो situation to handle that, के इस तरह की चीजें obviously जब हम भी काम कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना, एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो उस तरह से एक situation बन जाती है कि आपको everybody is treating you the same way, ठीक है, तो वो एक बड़ा ही embarrassing होता है। honestly speaking in this situation we really embarrassed to say anything, to explain anything, but it's really I mean bad situation for us to face this, and she should not do that. I mean at least in India and anywhere she should work, she I think I suppose that she should not do this way.